की किरण। हर दिन हिंदुस्तान के जिस हिस्से को सबसे पहले छूती है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनों में से एक बहन। हालांकि पश्चिम बंगाल से जुड़ा सिक्किम भी अब उत्तर पूर्व का 8वां और महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन ये सच है कि कला, संस्कृति और अपनी मूल पहचान में समूचा उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों से अलग है, अद्भुत है, रंगीला है। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में कदम रखते ही ये पुरसुकून महसूस होता है कि कुदरत ने अपनी अपार संपदा यहाँ दिल खोल कर लुटाई है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को आखिर 7 बहनें ही क्यों कहा? शायद इसलिए कि समूचे उत्तर पूर्व की संस्कृति में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में, कला में, संगीत में, परिवार में, बाजार में, उद्योग धंधों में औरतों की उल्लेखनीय मौजूदगी यहाँ का सबसे विलक्षण और अलग से दिखाई पड़ने वाला गुण है, जो शायद ही भारत के किसी और राज्य में दिखाई देता हो। महिलाएं संस्कृति को संरक्षित करती है, परंपरा और मूल्यों को संरक्षित करती है और साथ ही इन्हें अपने सामाजिक व्यवस्था के दायरे में अगली पीढ़ी को सौंपती है। महिलाएं बहुत ही रचनात्मक हैं। वो अपने हाथों से या अपने मन से जो भी करती हैं, वो वाकई बहुत सुंदर होता है। यहाँ हमारा पर्दा सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारा जो खास असम के लोग हैं या नागालैंड के लोग हैं। एंड बहुत सारे यहाँ के महिलाएं आप मेनस्ट्रीम मीडिया में भी देखेंगे, नेशनल मीडिया में भी देखेंगे, दिल्ली में भी दे आर डूइंग गुड वर्क। और उन लोग बहुत फ्रीडम था उन लोग का, इवन पॉलिटिकल राइट भी था उन लोग। खासतौर ये बात है कि डाउरी नहीं है हमारे यहाँ। वे एक दूसरे की मदद करती हैं और साथ में काम करती हैं। हम पुरुषों द्वारा संचालित औरतें नहीं हैं। हम मेहनती और खरी औरतें हैं जिन्हें बस थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए। औरतें घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालती है। मैं आपको महाभारत तक ले जाता हूँ। चित्रांगदा जो मणिपुर के राजकुमारी थी, उनका जिक्र महाभारत में है। बहुत ही वीरांगना थी और उन शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन कैरेक्टर्स इन रविंद्रनाथ टैगोर्स चित्रांगदा, जिनके साथ अर्जुन भी जिनके पास में हार मान चुका था। यही है उत्तर भारत के नारियों का ट्रेडिशन। ये कुदरती करिश्मा है कि भारत के शक्तिपीठ में से सबसे माना हुआ शक्तिपीठ उत्तर पूर्व भारत में ही है, माँ कामाख्या का मंदिर।
यहाँ पे स्त्रियों का सदियों से पूजा किया जाता है। आप आइए मेघालय में, बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। एक और शक्तिपीठ है नार्तियंग। क्यों इसको शक्तिपीठ कहा जाता है? शक्ति, स्त्री का जो असल रूप है शक्ति, उसका वो परिस्फुट है पूरा उत्तर पूर्व भारत में। हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे वीमेन का। देखिए, हमारा फुलेश्वरी बोल के एक महारानी थी, वो टेंपल डांसर थी। फिर किंग शिव सिन्हा एंड ऑफ 15th सेंचुरी। तो किंग शिव सिन्हा यूज टू विजिट द टेंपल एंड सॉ हर डांसिंग, सो ही फेल इन लव विद द डांसर। तो उसका मैरिज किया। एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट अभी तुम्हारा टाइम खराब है, तुम्हारा क्राउन जाने वाला है। तब शिव सिन्हा ने अपना वाइफ फुलेश्वरी का वो क्राउन दिया था। फुलेश्वरी रूल लो सम फॉर सम टाइम। जो विमेन्स मूवमेंट हुआ था पहला हमारा सोच में मणिपुर में हुआ था 1904 में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। उसके बाद 1931 में हुआ था और ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करके 1978 तक हुआ था, 75-78 ऐसा। और जो स्ट्रगल था उसका वो महिलाओं के लिए थे। और भी कई उदाहरण हैं। 40वें दशक में भारत की स्वाधीनता संग्राम के दौरान आसाम के नौगांव की गुणेश्वरी देवी पहली बार जेल गई थी। सन 1930-31 में गोलाघाट की औरतों ने बाहिनी नाम से औरतों का एक संगठन बनाया, जिसका नेतृत्व किया था स्वर्णलता बरुआ, राजकुमारी मोहिनी गोहाई और बसंतलता हजारिका ने। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ सालों से, जिसका नाम है मिसेज बोनेली खोमेन। वो स्कूल में टीचर थी, बाद में पॉलिटिशियन बनी, एक बहुत अच्छी राजनेता। वो केंद्र में सांसद भी रही और पूर्वोत्तर का नाम रोशन किया। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था, अभी है, NFIW, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। इसका प्रेसिडेंट था अरुणा सपनी। आई वाज आल्सो इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी, ऑल इंडिया कमिटी। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत था, किंतु महिला का डिमांड लेके हम लोग एक साथ में काम करता है। हिंदू कोड बिल में एक महिला का लिए ज़्यादा डिमांड था। हम लोग एट दैट टाइम सो यंग एज वी ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड डिस्कस हिंदू कोड बिल। हम लोग का डिमांड तो महिला उन्नति होना चाहिए, महिला आग बढ़ना चाहिए, समाज को उन्नति करने के लिए महिला आना चाहिए। विदेशी हुकूमत से तो देश आज़ाद हुआ, लेकिन पूरे देश की तरह उत्तर पूर्व के समाज में भी कई ऐसी बुराइयां मौजूद थीं, जिनका सीधा खामियाजा औरतों को ही भुगतना पड़ता था, और वो थी पुरुषों में शराबखोरी की लत। यहीं से शुरू होती थी घरेलू हिंसा, औरतों का घर और बाहर की दोहरी चक्की में पीसना, और अपराधों का अंतहीन सिलसिला। लेकिन इतिहास गवाह है, उत्तर पूर्व की साहसिक औरतों ने बिना पुलिस या सरकार का मुंह देखे खुद इसके खिलाफ मोर्चाबंदी की। मणिपुर में, मिजोरम में तो महिला आगे आ गया इसका खत्म करने के लिए। तो उन लोग बहुत कुछ किया है, उन लोग सब एक कट्ठा होके वाइन शॉप का सामने खड़ा हो गया है, और जो वाइन लेते हैं उन लोग का बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगा उन लोग खुद ही। तो अभी वाइन शॉप में लड़का ने कोई वीमेन आते हुए देखने से उन लोग भाग जाता है। ये लोग एक बैम्बू का, बांस का एक टॉर्च बना के उसमें केरोसिन डाल के वो लोग अड़ोस पड़ोस में जाके जब भी देखते हैं कोई लड़का अगर पी रहे हैं या कोई आदमी ऐसा कुछ कर रहे, उसको पकड़ के उसको पनिशमेंट देता है या उसको बोल देते हैं कि पीना नहीं, ये बैंड है। और अब पूरे गांव में ये सचमुच औरतों के आंदोलन का परिणाम है कि पूरे गांव में एक भी शराब की दुकान नहीं है।
Yes. कोई भी शराब खरीदता, बेचता या पीता हुआ नहीं देखा जाता। कहते हैं जिस समाज में अपने वजूद को बचाने के लिए जितना ज्यादा संघर्ष होता है, उस समाज में साहित्य, कला और संगीत की जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। और इसी का उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व और इसकी कला चेतना में औरतों की भागीदारी। I don't know. पता नहीं मेरे नाटक करने से पूर्वोत्तर में शांति और सुकून लौटेगा या नहीं, लेकिन मैं नाटक करती रहती हूँ और भी कई ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हूँ, कई बार मशहूर लोगों के साथ, कई बार एकदम आम और मामूली लोगों के बीच। मैंने नागालैंड की कई जनजातियों के साथ काम किया है, जैसे आसाम के कर्बी और बोडो और कुछ अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ। बहुत साल पहले, इनफैक्ट 1978, मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म में डॉक्टर भवेंद्र नाथ सैकिया, आपने सुना होगा उनका नाम, बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर थे, राइटर थे। एंड एक्चुअली आई वाज स्टडिंग विद हर विच इज़ डॉटर इन स्कूल, तभी उन्होंने एक रोल दिया एक फिल्म में जहाँ मैं उनकी बेटी का बेस्ट फ्रेंड का रोल किया। दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू फिल्म। Shantana Bordoloi, she had made a mark. Her first film was made and she got the first woman director's award, national award bhi mila tha. Aur Manju Bora hai, तो सीरियल्स में भी है दो तीन, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अभी, डायरेक्शन में भी अभी आई हैव स्टेप्ड इनटू इट। नॉर्थ ईस्ट की वीमेन, व्हेन यू सी देम इन द मीडिया, यू नो, इन द डिफरेंट फील्ड्स इन मीडिया, जैसे यू विल सी वीमेन फोटो जर्नलिस्ट, महिला फोटो जर्नलिस्ट आपको दिखाई देंगे, महिला एडिटर्स, मतलब इंडिपेंडेंटली एक मैगजीन या न्यूज़पेपर निकाल रही है। सो मुझे लगता है कि दे हैव बीन एबल टू, मतलब एक वो ब्रेक द स्टीरियोटाइप, यू नो, एंड महिलाएं, यू नो, दे हार्डकोर रिपोर्टिंग भी किया है। जैसे मैं खुद बहुत सारे मिलिटेंट कैंप्स में गई हूँ, मिलिटेंट से मिली हूँ, उनसे बातें की, उनसे, यू नो, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ बैठ के, यू नो, गाना गाया, यू नो दैट। और उनको भी थोड़ा हैरानी होती है कि एक औरत आई है हमसे मिलने के लिए। नाटक, फिल्में और पत्रकारिता के अलावा साहित्य जगत में भी उत्तर पूर्व की औरतों का अच्छा खासा योगदान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और देश विदेश में ख्याति प्राप्त असमिया साहित्यकार डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सुंदर लिखती हैं। देन अभी बोरोलैंड में भी अभी आया है बोरो साहित्यिका अंजलि दोईमारी, जो मेरा ऑटोबायोग्राफी अनुवाद करके साहित्य अकादमी मिला है। और बोरो लोग का तो 10-12 साहित्य अकादमी अवार्ड मिले हैं और उन लोग का राइटिंग में खासियत आ रहा है अच्छा से। एंड दे आर डिपिक्टिंग देयर ओन लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। अरुणाचल भी ऐसे, बट देन थोंगसी हैं जो आसामी में लिखते हैं, अरुणाचल का है वो, तो एकदम ही आसामी में लिखते हैं, लेकिन वो बहुत महान लेखक हैं वो, उसका और अनुवाद होना चाहिए। जो अभी थोंगसी का भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और दूसरा है अभी जोंगबंग तेरंग हैं, वो भी ट्राइबल का ही वो हैं। मोस्ट ऑफ द राइटर्स इन ट्राइबल बेल्ट, दे आर राइटिंग इन इंग्लिश। ये अच्छा हुआ है बिकॉज दे आर गेटिंग मोर ऑडियंस। एवरी फोक आर्ट फॉर्म, हर लोक कला का एक गहरा मतलब होता है। ये सब केवल सजाने, सवारने
या मनोरंजन का सामान नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि हम कह सकते हैं इनका एक गहरा अर्थ है। जैसे हथकरघा या बुनाई, आप देखेंगे नागालैंड में ये काम ज्यादातर औरतों द्वारा ही किया जाता है। बुनने की कला की बात करें तो इसका खासा महत्व है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कला में बुने हुए कपड़ों में छुपे हुए प्रतीक और सिंबल्स का होना। जैसे कुछ विशेष तरह की शॉल्स जो एक खास वर्ग द्वारा बनाई जाती है और खास वर्ग द्वारा पहनी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ स्कर्ट्स जिन्हें हम मेखला कहते हैं, वे केवल कुछ उत्सव या खास मौके पर ही पहने जाते हैं। तो महिलाएं जो कपड़ा बुन रही है, उनके जरिए हम पूरी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा से जोड़ रहे हैं, और साथ ही हम उन्हें सिखा रहे हैं कि ये कपड़ा क्यों बुना जाए, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाए। Clothes are worn. What is the significance behind the shawls that are woven or the skirts that are woven and worn? हम लोग का एक ये कपड़ा जो फरी बोलते हैं ना, फरी, हम लोग शादी में जाता है और फेस्टिवल में उसको हम लोग पहनना पड़ता है, और ये एक तुलसी बोलता है ना, तो उसको ये बीच में लगाता है एक ये सुंदर होने के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं नील, ये हम लोग सब ऑर्नामेंट्स ये फेस्टिवल में पहनते हैं और शादी में जाता है। मुझे टेक्सटाइल क्राफ्ट में पद्मश्री मिला है सन 2008 में। मुझे लगता है ये मेरे काम की पहचान है जो मैं पिछले 20 सालों से नागा औरतों के साथ मिलकर कर रही हूँ। एक ऐसी प्रथा को फिर जिंदा किया है जो खत्म हो रही थी, मतलब कपड़ों को रंगने में नील यानी इंडिगो का प्रयोग, जो इस राज्य में फिर उपयोग में आ रहा है। शायद इसी से मुझे कुछ नाम मिला है। क्लासिकल डांसेस भारत में बहुत कम है, शास्त्रीय नृत्य जो है उसमें से एक है मणिपुर का नृत्य। Oh, oh, oh.
the Mungyanta or harvest dance from Nagaland. मणिपुर से आई हूँ। मेरा नाम सुनी है। मेरा नाम है सुरखाइबम निरोजा, मैं मणिपुर से आया हूँ। जो लड़का लोग कर सकते हम भी कर सकते, ये दिखा रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति, नाटक, नृत्य और संगीत के अलावा उत्तर पूर्व राज्यों की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो न सिर्फ औरतों को एक स्वतंत्र वातावरण देती है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे क्षेत्र को बाकी राज्यों से भी अलग खड़ा कर देती है। ये एक रोचक बात है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का मिलाजुला औसत साक्षरता प्रतिशत पूरे देश के साक्षरता प्रतिशत से ज्यादा है। यहाँ स्कूल कॉलेज लड़कियों की पहुँच के भीतर है, क्योंकि चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल की जैसे बाढ़ आई हुई है, इसीलिए लड़कियाँ खासतौर पर जवान पीढ़ी अच्छे से लिखना और पढ़ना जानती हैं। महिला शिक्षा के प्रति खासा रुझान इस क्षेत्र के पूरे वातावरण में बिखरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में आजकल लड़कियां मतलब लड़के से ज्यादा अच्छा रिजल्ट बनाता है। हर साल लड़कियां टॉप होती है, टॉपर होती है। वैसे बोर्ड एग्जाम्स में ये ऐसा नहीं है कि लड़का आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट इनहिबिशंस नहीं है, ऑफिस में बहुत काम करते हैं, तो एजुकेशन लेवल इज ऑल्सो क्वाइट हाई। लाइक इन द सिविल सर्विसेज यू विल फाइंड लॉट ऑफ वीमेन, इन पुलिस सर्विसेज यू विल फाइंड लॉट ऑफ एसएमएस। हायर एजुकेशन में बहुत लड़की जाते हैं, इवन बहुत यहाँ से बाहर जाके पढ़ते हैं, लॉट ऑफ गुड गो टू गुड यूनिवर्सिटीज, गुड कॉलेजेस फ्रॉम हियर। शिक्षा के अलावा यहाँ एक और बात है और वो है स्त्री पुरुषों में काफी हद तक समानता। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय संस्कृति में लिंग भेद नहीं था। इसके लक्षण आज भी दिखते हैं उत्तर पूर्व की आदिवासी संस्कृति में। अब मैं और एक बात बोलती हूँ आपको नागालैंड के बारे में। जब एक लड़की को, जब एक शादीशुदा वुमन का एक बच्चा होता है, वो उसका हस्बैंड उसको हेल्प करते हैं, कोई दाई वगैरह कोई नहीं आता है ऐसा। उत्तर पूर्व की आदिवासी, लेकिन आधुनिक समाज व्यवस्था में जहां औरतें अधिक सक्रिय हैं, क्या पुरुषों का अहम यानी मेल ईगो कोई अड़चन पैदा करता है? नहीं, यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश होते हैं, तारीफ करते हैं कि उनकी औरतें घर परिवार के रोजगार में उनकी मदद कर रही हैं। यहाँ तक कि अधिकतर मर्द तो इस बात से बेहद ही खुश नजर आते हैं। पारंपरिक तौर पर भी हमारे यहाँ दूसरे समाज की तरह औरतों पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में काम करते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं। गो टू स्कूल्स
एंड इवन द बॉयज ऑल्सो। नेशनल सर्वेस में भी देखा गया है कि उत्तर पूर्व भारत ऐसे जगह है जहाँ के हालांकि बाकी हिस्सों में भारत का फीमेल फेटिसाइड हो रहा है, भ्रूण हत्या, लेकिन उत्तर पूर्व भारत में ये साइंटिफिक सर्वे के द्वारा ये पारित किया गया है कि यहाँ पे कन्या संतान का ही ज्यादा मांग है यहाँ। यदि आप हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 2-3 सालों का, तो पता चलेगा कि हर लड़के पर 2 लड़कियां पैदा होती है, यानी बालक और बालिकाओं का अनुपात 2:1 का है, 2:1। उत्तर पूर्व की महिलाओं को शक्तिशाली बनाना न सिर्फ केंद्रीय सरकार का बल्कि नॉर्थ ईस्ट की हर राज्य सरकार का और कई गैर सरकारी संगठनों का भी प्रमुख एजेंडा है। Because there are some weaker sections in the society in women also, those who have been destitutes, those who are in moral danger, economically weak है, शिक्षा नहीं है, exploited है, financial assistance to BPL girls who marry after the age of 20 years. So हमारा सरकार को मानना है कि 20 साल हो गया, उसके बाद because it is too discourage marriage below 20. So 20 साल के बाद होने से उनको 10,000 रुपया उनको पेरेंट्स को देंगे। एंड देन देयर इज अनदर स्कीम व्हिच वी हैव लॉन्च्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो, सिंगल विडोज होता है, उनका कोई नहीं होता है, देन अनमैरिड गर्ल्स जो 45 इयर्स का एज हो गया, सो उसके बाद हम लोग एक स्टाइपेंड देंगे उनको। इस साल हमने प्रपोज किया है 250 रुपया करके महीना करके, साल में 3,000 रुपया we will give a stipend so that unka that is also extended to economically backward BPL families. And through ICDS scheme this ye jo aapka lactating mother hota hai aur aapka jo mahila swasthya ke liye hum log kaam kar sakte hain. Hamara state mein aapka national rural health mission aur hamara ICDS scheme ka convergence ke liye hum log ne anganwadi center mein और टीकाकरण ये सब के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, चाइल्ड के लिए, एज वेल एज फॉर महिलाओं के लिए एवरी वेडनेसडे हम लोग एक फिक्स किया। हमारा मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ 10 ईच ऑल ओवर द स्टेट, उनको बैंक से लिंकेज करेंगे, 50% बैंक, हम लोग भी पैसा थोड़ा डालेंगे फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे महिलाएं वो टेक्सटाइल में हैंडलूम में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में स्वयं सिद्धा है, वहाँ में भी SHG के थ्रू अप्लीमेंट ऑफ इकोनॉमिक अप्लीमेंट के लिए काम होता है। जब से महिला विकास विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग से अलग हुआ है, सरकारी योजनाओं का प्रभाव दिखना शुरू हुआ है, औरतें योजनाओं का लाभ ले रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं और महिलाएं मुख्य धारा में आगे आ रही हैं, और ये अंतर पिछले कुछ सालों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है सीडो, सीडो जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, एक UN कन्वेंशन है और इसमें भारत सरकार ने साक्षर किया है, तो इनके तहत बहुत सारी ऐसी बातें हैं और ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के विकास के लिए कहा गया है, और इसमें खास एक मुद्दा है जो कंक्लूडिंग कमेंट नंबर 52 में है, जो नॉर्थ ईस्ट के महिलाओं के बेनिफिट के लिए जो 10% बजट का इस्तेमाल की बात जो हुई है, तो ये मुद्दा एक बहुत ही शायद इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा जो इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया है इस क्षेत्र के लिए। दूसरा है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट है और उसमें जितनी भी बातें कही गई हैं जो महिलाओं के इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर है, अधिकारों के ऊपर है, अगर उन पे भी अमल किया जाए और उसी हिसाब से परियोजनाएं और प्लान्स और बजट्स अगर उस हिसाब से किया जाए तो मुझे लगता है इस क्षेत्र की महिलाओं को भी काफ़ी सारे मौका और बहुत सारे मदद मिल सकती है। शिक्षा,
आर्थिक सहायता और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं के अलावा किसी भी क्षेत्र में विकास को मापने का एक और पैमाना है और वो है स्वास्थ्य। उत्तर पूर्व के सुदूर राज्यों में महिला स्वास्थ्य को लेकर सरकारी चिंताएं और प्रयास दोनों उल्लेखनीय हैं। असम में आपको पानी मिलेगा सब जगह, लेकिन पानी में आपको वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत भी होते हैं, क्योंकि हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सो वाटर बोर्न डिजीजेस है। मोस्ट ऑफ द वीमेन, जो भी महिलाएं यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आती है उनमें से 70-80% औरतें एनीमिया का शिकार है, लेकिन हमने आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है। एंड देन वी गिव देम ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। Prior to the coming of NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आने से पहले महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। खराब पहाड़ी सड़कों की वजह से वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ भी नहीं पाती थी। यहाँ तक पहुँचना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। लेकिन अब जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं हमारे केंद्र पर डिलीवरी करवाने आती हैं, उसे हम सरकार की तरफ से 700 रुपए देते हैं पहली डिलीवरी के समय। अधिकांश भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा पितृसत्तात्मक है, जिसे अंग्रेजी में पेट्रियार्कल कहते हैं। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय और कुछ कुछ मिजोरम में परिवार का स्वरूप मैट्रिलिनियल है। इसे मातृसत्तात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में फर्क है। मैट्रिलिनियल समाज में आप जानते हैं औरतें ज्यादा स्वतंत्र हैं, ज्यादा स्वावलंबी हैं। देश के दूसरे समाज के मुकाबले महिलाएं यहाँ सब कुछ चलाती हैं, बाजार, खरीदारी, घर वगैरह। इसलिए बाजार में ज्यादातर आपको औरतें ही नजर आएंगी। शायद यही वजह है कि उत्तर पूर्व के अधिकांश बाजार महिलाओं की अथाह उपस्थिति से अटे पड़े हैं। इम्फाल में एक ईमा मार्केट है जो 100% औरतें ही चलाती हैं। हल्दी का एक इंटरनेशनल मान का जगह है मेघालय, जहां से के हल्दी जाती है। बेम्बू बांस का जो हैंडीक्राफ्ट सब देखते हैं, सब उत्तर पूर्व से जा रहे हैं, ज्यादातर यहीं पर है। बाजार और घर के कामों के अलावा उत्तर पूर्व की इन पहाड़ों में ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ की औरतें नहीं करती? Lot of industries today employ lot of women. Traditionally, because चाय बगान में आपको देखेंगे कि because plucking etc is done by women. So economically they were activity associated with industry. But today they are also into manufacturing industry in cosmetics and others and in large number. हमारा यहाँ सब लोग एक इकट्ठा होके काम करते हैं। जो women है असम में, मैं देखा है कि 5-6 वीमेन एक साथ, बोरो वीमेन भी हो सकते हैं, वो लोग जो उसका धान है चावल वो लोग इकट्ठा करके एक बैंक बनाता है, जिसको बोलता है राइस बैंक। वो बैंक बना के वो लोग शायद 50 किलो भी रख सकते हैं। तो कोई जब आते हैं लोन के लिए, लोन लेने के लिए, तो वो
फॉर एग्जाम्पल वो 1 किलो चावल ले गया लोन में और इंटरेस्ट देते हैं 50%, वो जब लौटा देंगे तो 1.5 किलो लौटाएंगे। ऐसे ऐसे जब उसका इंटरेस्ट मिल जाता है वो फिर पैडी को बेच के वो लोग धागे के लिए, वो वीविंग के लिए वो कपड़ा बनाते हैं। सो जो अर्निंग है राइस के बारे में, राइस के ऊपर, वो अर्निंग वो लोग वीविंग के लिए रखते हैं। वन थिंग इन नागा वुमेन, नागा औरतों की जो उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वो बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाली हैं, मतलब घर पर भी या घर के बाहर भी। यहाँ की औरतें व्यवसाय से अपने परिवार को आर्थिक योगदान देती हैं। वो व्यवसाय में काफी माहिर है। ये औरतें कह रही हैं, सुबह उठकर पानी लेने जाना पड़ा, अभी खेती में धान तैयार करना है, कपड़े बुनाई का काम भी करना है, उम्र हो गई है, थोड़ा दिखता भी कम है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। हम खुश हैं, वो तो हमेशा होती हैं, पर दिल खोल के मेहनत करते हैं और जी खोल कर हंसते हैं। असम के साथ कंपेयर करने से विमेन सब बनाते हैं, लेकिन आदमी जाके उसका सामान लेके बेचता है। और मणिपुर में वो लोग बनाते हैं चीज और वो खुद बेचते हैं, ये है डिफरेंस। और नागालैंड में जो विमेन है उसका जो खेती का जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वालिटी, और वो लोग हाईवे में बेचते हैं। देयर आर लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप यू फाइंड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डूइंग वेरी वेल इन जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, इन टेक्सटाइल्स, इन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, एंड देन आप ये सब सेक्टर्स में गाँव में भी विमेन आर वेरी वेरी एक्टिव। और हमने देखा है इन एंटरप्रेन्योरशिप यू हैव लॉट ऑफ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स टू फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स एंड हु हैव रन बिजनेसेस वेरी सक्सेसफुली। जब मैं जवान थी तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ गांव में जाती थी और मैंने देखा कि कुछ बुजुर्ग औरतें मेरी दादी को कपड़े का एक टुकड़ा दिखा रही हैं। वो बहुत उत्साहित थी और जब मैंने पूछा कि ये क्या है तो वो एक शॉल थी जिसे उन्होंने ओसाक यानी इंडिगो नील में प्राकृतिक रूप से रंगा था और अब ये प्रचलन में नहीं है। मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा, पता है वो बिल्कुल डेनिम जैसा लग रहा था, बिल्कुल जीन्स जैसा, और उन दिनों जीन्स खरीदना सबके लिए बड़ा मुश्किल था। उसके कई सालों बाद जब मैंने हैंडलूम फैक्ट्री का काम शुरू किया तब मुझे ऐसी दो आदिवासी औरतों के बारे में पता चला जो इंडिगो से प्राकृतिक रंग का काम करती थीं। और वो मैंने शुरू किया क्योंकि औरतें तब तक शक्तिशाली नहीं होंगी जब तक उनमें अपना कोई कौशल नहीं होगा, और इस तरह प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर औरतें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकती हैं, जो एक तरह का महिला सशक्तिकरण ही है। And in that way, definitely, financial empowerment is definitely much more. In sericulture, or what you call muga silk, जो होते हैं हम लोग के यहाँ. So you know, the women have been playing a major role. If you go to the borough areas, you find that they are master weavers, and they are very successful. People from those areas have exported, are exporting their goods. They are finding their products are getting sold in 5-star outlets in India. तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर पूर्व की पूरी अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित है? क्या इस बात को गहराई से
और सूक्ष्म तरीके से देखने की जरूरत है जो ये स्पष्ट करे कि जो दिख रहा है वो केवल एक दृश्य है या यहाँ का सच है। मणिपुर में भी विमेन जो है पूरा बाजार वो चलाता है, पूरा उसका सेविंग्स होता है, उसका बिजनेस लोकली इतना अच्छा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि विमेन बहुत पावरफुल है। अगर वो इतना पावरफुल है, हमारा एक प्रश्न है क्योंकि वो लोग हमारा इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में वो लोग क्यों बढ़ नहीं सका। क्या ये मान ले कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण का सबसे कारगर उपाय साबित हो सकता है? आई विल नॉट से, मैं नहीं मानती कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी महिला सशक्तिकरण में मदद करती है, क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैं इसी व्यवस्था में रहती हूँ, तो इस समाज में भी मामा यानी माँ के भाई का सब कुछ चलता है, तो वो सब कुछ तय करता है। यहाँ भी कहीं कुछ तो कमी है। ये नहीं कि मेघालय में सब बहुत अच्छा है, जगह बहुत सुंदर है, लेकिन जो महिलाओं का स्थिति है डेफिनेटली वो भी वंचित है। उसका ये नहीं कि उसका प्रॉपर्टी के लिए वो बहुत पावरफुल है। यहाँ में भी घरेलू अत्याचार होता है, यहाँ में टीनेज प्रेगनेंसीज बहुत होता है। ये बड़ी विचित्र बात है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी विडंबना है, विरोधाभास है कि कला, साहित्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था, समाज और परिवार का केंद्र होने के बावजूद इस क्षेत्र की अधिकांश महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, यानी उन्हें केवल फैसले मानना है, वे फैसले करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। Even in the social sphere, ये बात सच है कि हमारे यहाँ महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर सकती, या यूं कहें कि फैसला करने की उन्हें इजाजत नहीं है। लेकिन अब कुछ कुछ बदल रहा है, शहरी क्षेत्रों में उन्हें अनुमति मिल रही है, पर गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में हालात नहीं बदल रहे हैं, आज भी वो फैसला नहीं ले सकती। हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था नहीं है, हम भारत के छठे शेड्यूल में आते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय संस्था होती है जिसे दौरबार यानी दरबार कहते हैं। ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, पर सब कुछ यही तय होता है इस क्षेत्र के लिए। जैसे ये पूरी जगह एक दरबार में आती है। शिलोंग में केवल दो या तीन दरबार हैं जहां महिलाएं दरबार का हिस्सा हैं, लेकिन गांव में आज भी औरतों को इसमें जाने की आज्ञा नहीं है। अगर हम फैसले की बात करें तो फैसले की प्रक्रिया में नागा औरतों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है देश के बाकी राज्यों के मुकाबले। लेकिन हाँ, नागा औरतें भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उनके पास भी ज्यादा अधिकार नहीं है। जैसे हम बात करें तो नागालैंड में औरतों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, और निश्चित रूप से यहाँ भी उनकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं है, खासकर फॉर्मल सेटअप में। उनकी हालत भी बाकी देश की औरतों की तरह ही है। उत्तर पूर्व की औरतें चाहे हर मामले में भारत की बाकी महिलाओं से अलग हों, लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में वे समदुखी हैं। हिंसा चाहे घरेलू हो या घर के बाहर, महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि यही हिंसा उनके वजूद को चोट पहुंचाती है। औरतों के प्रति बढ़ रही हिंसा और अत्याचार सचमुच चिंता का विषय है। हिंसा चाहे घर के अंदर हो या बाहर, औरतों को बहुत प्रभावित करती है। हमारा फोकस ही है औरतों के प्रति हिंसा का विरोध। पिछले कई सालों से हम सामाजिक जागरूकता का काम कर रहे हैं। हमें कई महिलाओं के फोन आते हैं जो हिंसा का शिकार हैं। इसीलिए हमने हेल्थ और पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। एक पिकुलर केस था, 2001 में आया था मेरा सेल में। एक वाइफ ने आया था कि उसके हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअली प्लस इमोशनली टॉर्चर कर रही है। क्या किया है,
जब शादी की, उस लड़के के शादी के 3 महीने के बाद वो उसका हस्बैंड उसको एक दिन सडनली बोला कि तुमको आज से हम माँ 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 कह के पुकारूंगी। तब तो उसका वाइफ शॉक्ड हो गया, सी वाज शॉक्ड टू हियर द ऐसे बातें सुन के। फिर क्यों बोले ऐसे ही तुमको आज से तुमको हम माँ बुलाएंगे, मैं तेरा बेटा हूँ आज से, तू मेरी माँ है। फिर ऐसे दिन दिन चल रहे चलते रहे। फिर एक दिन क्या कहा उसने, एक दो महीने के बाद उस हस्बैंड ने उसको बोला कि माँ तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया, उसको शादी कर दीजिए। मम्मी ने तो वाइफ ने तो ऐसा, और फिर शक हो गया। फिर सचमुच क्या किया उसने, उसका हस्बैंड ने दो तीन महीने के बाद शादी कर लिया। शादी के बाद वो वाइफ हमारा पास आया था, फिर हम उसके लिए एक केस कर दिया जो एडल्ट्री हुआ बा सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया उसके, बहुत बुरी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट किया उसको। फिर हमने केस किया, केस करने के बाद हमने खुद किया इस केस, और इस केस को कैमरा में किया, इन कैमरा में हुआ कोर्ट में मैंने। फिर केस के बाद उस लड़के वाइफ हस्बैंड को जेल हुआ। वो हाथ जो सख्त धरती को तोड़कर उसमें जीवन का बीज रोपते हैं, वो हाथ जो चूल्हे पर रोटियां सेकते हैं, वो कंधे जो मीलों पहाड़ चढ़कर पीने का पानी लाते हैं, वो पैर जो घंटों बाजार में खड़े रहकर अर्थव्यवस्था को खड़ी रखते हैं, वो आंखें जो सपना देखती हैं, वो जिस्म जो घर और बाजार के दरमियान पिसता रहता है। आखिर वही औरतें क्यों होती हैं घरेलू हिंसा का शिकार? ये बात शीशे की तरह साफ है कि समूचा उत्तर पूर्व पिछली कई दशकों से अलगाव, हिंसा और बारूद के धुएं में खुद को तलाश रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, उग्रवाद और रोज बरोज के खून खराबे का सबसे बुरा असर होता है वहां की औरतों और बच्चों पर। पूर्वोत्तर के हर राज्य में इंसर्जेंसी है और हिंसा है, और इस समय परिवार और बच्चों की देखभाल केवल औरतों की जिम्मेदारी हो जाती है, और अगर ऐसे समय पर औरत कमजोर पड़ जाती है तो परिवार टूट जाएगा। टू सपोर्ट द फैमिली, जब मिलिटेंट्स आते हैं कभी कभी वो लोग बस घर में घुस के बोलते हैं हमको खाना दो, 3 दिन के लिए हमको खाना दे दो, तो ये जो महिलाओं हैं उसको खाना बनाना पड़ता है। और उसके बाद जब वो चले जाते हैं उसी टाइम में आर्मी आ जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, और विमेन को बोलता है कि तुम ये लोगों को तुम शेल्टर दिया था कहाँ है। तो इसी में क्रॉस फायरिंग में हाउस सर्च करता है, इसी में बहुत मुश्किल होता है विमेन के लिए। किसी को भी चोट पहुँचे, किसी का भी खून हो, यह हम औरतों को प्रभावित करता है, यह हमारी भावनाओं पर असर करता है। कोई भी मरता है चाहे वो किसी भी जाति या कुल का हो, और या लोथार मरे चाहे आपसी रंजिश की वजह से, हमें लगता है वो हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए लगता है कि इस संघर्ष को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण और मार्क करने वाली बात यह है कि इस इंसर्जेंसी के खिलाफ शांति प्रयासों की शुरुआत, उसका जोखिम और उसे एक अंजाम तक लाने का श्रेय भी उत्तर पूर्व की औरतों को ही जाता है। जब भी आपसी संघर्ष होता है नागा औरतें आगे बढ़कर उनमें समझौता करवाती है। हम कह सकते हैं जो काम मर्द नहीं कर सकते वो काम नागालैंड में औरतें करती हैं। अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों में जब प्रशासन स्थिति को नहीं संभाल पाता है और फौजें भी आ जाती हैं, लेकिन वो सब भी शांति वार्ता के लिए औरतों पर ही निर्भर रहते हैं। एक बार मुझे याद आता है मैं मणिपुर में इम्फाल में एक कुछ औरतों के साथ मैं बैठी थी, वेरी एल्डरली वीमेन। मैंने उनसे पूछा था कि आप में से कोई दिल्ली गया है कभी, तो एक ने
सभी ने कहा नहीं दिल्ली तो बहुत दूर है, यू नो इट्स लाइक टू फार, काश एक ब्रिज होता यू नो इम्फाल से दिल्ली तक। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की औरतों की ये सारी कोशिशें, उनका हक, उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष और पूर्वी हिमालय में शांति तलाशने की आस तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उत्तर पूर्व की समग्र मानसिकता को, भावनात्मक और भौगोलिक दूरी को और खासकर विकास के साथ साथ उनकी अपनी आदिवासी संस्कृति को बचाए और बनाए रखने की क्षेत्रीय मुहिम को बुनियादी रूप से ना समझ लिया जाए।